अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आज का हमारा टॉपिक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा उससे थोड़ा सा डिफरेंट है जो लास्ट लेक्चर हमने लिया था। हम पढ़े बेटे आज मोशन ऑफ टू बॉडीज अटैच टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग। दो जिस्म है जिन्हें रस्सी के दो सिरों से बांध दिया गया है, एक को एक किनारे से दूसरे को दूसरे किनारे से। That passes over a frictionless pulley, और वो रस्सी इन जिस्मों को बंधे हुए कहाँ से गुजर रही है? Frictionless pulley के ऊपर से। Such that one body moves vertically. Situation ऐसे है कि एक जिस्म कैसे move करता है? ऊपर नीचे vertically, and the other moves on a smooth horizontal surface. जबकि दूसरा क्या मूव करता है? स्मूथ साफ सुथरे मुलायम फर्श के ऊपर हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल क्या मतलब? एक्स एक्सिस इस तरह से मोशन करता है। स्मूथ टेबल, स्मूथ सरफेस है, साफ सुथरा अच्छा सा टेबल है जिसका सरफेस बड़ा स्मूथ है। ये सिचुएशन के लिए, इस सिचुएशन के लिए हमें दो चीजें फाइंड आउट करनी है, एक एक्सलरेशन और दूसरा टेंशन। ये दोनों चीजें हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो सिचुएशन समझ लीजिए, हमारे पास एक जिस्म है, इसका नाम बेटे दे लेते हैं, एक जिस्म जिसका नाम ए है उसे वर्टिकली हैंग किया गया है, और जिस्म बी है जिसे कैसे रखा गया है? हॉरिजॉन्टली टेबल के ऊपर, टेबल के ऊपर पड़ा हुआ। एक रस्सी का सिरा इसके साथ बांध दिया, दूसरा सिरा इसके साथ बांध दिया, और यहाँ पे टेबल के किनारे पे क्या यूज की गई है? फ्रिक्शनलेस पुली। और ये रस्सी कैसी रस्सी है? ये रस्सी स्पेशल रस्सी है, इन एक्सटेंसिबल, एक ऐसी रस्सी जिसकी लंबाई में इजाफा नहीं होता। जोर पड़ने पे, खिंचाओ खींचने पे, वजन की वजह से इसकी लंबाई में इजाफा नहीं होता, वो रस्सी हमें चाहिए, ये रस्सी यूज की। अच्छा, अब मुझे बताएं कि एक्सेलरेशन का रुख किस तरफ होगा? अगर ये एक्सेलरेशन को डिफाइन करना हो, ए जिस्म का एक्सेलरेशन किस तरफ होगा, बी का किस तरफ होगा, टेंशन का रुख किस तरफ होगा, वेट का रुख किस तरफ होगा, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, उसी तरह से चीजें जरा डिफाइन कीजिए। बताइए ए जिस्म किस तरफ मूव करना चाहता है? इसका एक्सेलरेशन का रुख किस तरफ होगा? बी जिस्म किस तरफ चलेगा, किस तरफ मूव करेगा? ऑफ कोर्स ए इसे इस तरफ खींचेगा, ड्रैग करेगा, इसकी एक्सेलरेशन का रुख किस तरफ है? राइट साइड की तरफ, ऐसे ही? यस सर। अब वजन की बात कीजिए, इसका मास, पहले मास, मास कितना बेटे? इस जिस्म का, ए बॉडी का मास कितना है? बी बॉडी का मास कितना है? आप जानते हैं जब मास गिवन हो, मास पता हो, तो वजन बनाया जा सकता है ना। वेट कैसे बनता है? मास को किससे मल्टीप्लाई करने से? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ। तो बताइए इसका वजन कितना होगा और किस तरफ होगा? वेट हमेशा किस तरफ होता है? तो बताइए इसका वजन कितना होगा? ए बॉडी का वेट कितना होगा? ए का मास कितना है? एम आर। वेट कितना आ जाएगा? एम वन जी। इसी तरह से इसका वेट किस तरफ होगा? राइट साइड, लेफ्ट साइड, अप साइड या डाउन साइड? नीचे की तरफ। वेट डाउनवर्ड है और वो कितना होगा? एम टू जी। अब बात करते हैं टेंशन, है ना रस्सी? रस्सी है तो टेंशन भी होगी। तो मुझे बताएं अगर मैं ए जगह पे टेंशन को देखूं, रस्सी में टेंशन किस तरफ है? रस्सी किस तरफ नीचे चली जा रही है? ऊपर की तरफ। और यहां टेंशन किस तरफ? राइट साइड। रस्सी एक ही है इसलिए टेंशन भी क्या है? एक ही है। यही टेंशन यहां भी अपना रोल अदा करेगी, यहां भी रोल अदा करेगी। यहां अपना रोल क्या अदा करेगी? इसे किस तरफ खींचेगी? टेंशन किस तरफ खींचेगी? राइट साइड पे। तो यहां टेंशन का रुख किस तरफ है? राइट साइड। यहां टेंशन का रुख किस तरफ है? ऊपर। तो इसे आप पैराग्राफ की शक्ल में, स्टोरी की शक्ल में लिख लेंगे। Let's suppose we have two bodies, A and B. A having mass m1 and B having mass m2. A is vertically hanged and B is horizontally. क्या है जी? On the table, A का वजन कितना है? m1g और acceleration downward.
बी का वजन कितना है एम टू जी और एक्सलेशन राइट साइड ए की जगह पे टेंशन रस्सी में तनाव खिंचाव किस तरफ है ऊपर की तरफ और बी की वजह से रस्सी में टेंशन किस तरफ है राइट साइड की तरफ। ये सारी स्टोरी हम पैराग्राफ की जगह अब क्या करेंगे जो हमारा मेन कंसर्न है अब मुझे बताएं क्या करना है लास्ट टॉपिक की तरह हमें क्या मालूम करना है नेट फोर्स किसके लिए फॉर बॉडी ए नेट फोर्स फॉर बॉडी बी बी बॉडी के लिए पहले ए बॉडी के लिए काम करते हैं फिर बी के लिए क्या लिखूंगा मैं फॉर बॉडी ए जिस्म के लिए क्या करूंगा मुझे बताइए ए बॉडी पे नेट फोर्स कितनी लग रही है नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए कितनी फोर्सेस हैं ए जिस्म पे फोर्स है देखें दो एक वजन नीचे की तरफ और एक टेंशन ऊपर की तरफ कौन सी बड़ी है आप बताइए इसमें कौन सा फैक्टर बड़ा है जो से नीचे ड्रैग जो से नीचे खींच रहा है तो क्या आएगा कौन सा फैक्टर पहले आएगा M1G और माइनस क्या होगा T माइनस क्यों आता है बेटे क्योंकि अगर वेट पॉजिटिव तो टेंशन नेगेटिव बड़ी माइनस छोटी इस तरह से किया जाता और मुझे बताएं न्यूटन ने नेट फोर्स क्या बताई थी नेट फोर्स का क्या कुलिया था न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक एम इस नेट फोर्स की जगह हम क्या दर्ज कर लेंगे एम ए दिस नेट फोर्स विल बी इक्वल टू एम ए कौन सा एम आएगा इसके लिए कर रहे हैं फर्स्ट बॉडी के लिए यहां पे क्या आ जाएगा M1A यहां पे क्या आ जाएगा M1G माइनस G ये हमने कैलकुलेशन किसके लिए कर ली फॉर बॉडी यही काम अब हम किसके लिए करेंगे फॉर बॉडी बी बी बॉडी के लिए बी बॉडी के लिए क्योंकि नाम हमने बी रखा है इसलिए हम वन टू की बजाय क्या लेंगे फॉर बॉडी अब मुझे बताएं बी पे तीन काम हो रहे हैं तीन फोर्सेस लग रही हैं कौन कौन सी फोर्स बेटे फोर्स की बात हो रही है तीन फोर्सेस बी पे लग रही है कौन कौन सी तरफ और कीजिए वेट किस तरफ नीचे की तरफ रिएक्शन की फोर्स किस तरफ क्या हमने नहीं पढ़ा कि जब कोई चीज स्मूथ पड़ी हो टेबल पे या किसी चीज पे तो दो फोर्सेस लगती हैं एक वजन नीचे और रिएक्शन ऊपर पड़ी हुई है ना ये तो नहीं पड़ी हुई ये तो लटकी हुई थी इसलिए यहाँ रिएक्शन की बजाय क्या था टेंशन थी तो यहाँ बताए जरा वजन नीचे और टेंशन ऊपर क्या लिखेंगे इन केस ऑफ बॉडी बी वजन किस तरफ है पहला लिखेंगे कौन सी फोर्स सबसे पहली है वेट की फोर्स और उसकी सीमत किस तरफ है वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड वेट की सीमत किस तरफ है डाउनवर्ड दूसरी फोर्स कौन सी लग रही है इस पे देखिए जरा रिएक्शन की और उसकी सीमत किस तरफ है upward. जो एक दूसरे को कैंसिल करती है तो क्या देखेंगे रिएक्शन रिएक्शन फोर्स और किस तरफ upward. और तीसरी फोर्स टेंशन टेंशन भी फोर्स है और किस तरफ है राइट साइड ये तीन को यहाँ तो दो थी और यहाँ कितनी है तीन वजन नीचे रिएक्शन ऊपर और टेंशन राइट साइड टेंशन किस तरफ किस तरफ अलोंग किस तरफ राइट साइड अब मुझे बताएं क्या वेट और रिएक्शन बराबर नहीं है वेट और रिएक्शन बराबर नहीं है एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल सवाल है कि कैसे बराबर है क्या ये जिस्म नीचे आ रहा है yes, नीचे आ रहा है नो सर ऊपर जा रहा है नो सर जब कोई जिस्म ना नीचे आए ना ऊपर जाए तो इसका मतलब दोनों फोर्सेस क्या है आपस में बराबर और बराबर फोर्सेस क्या कर देती है तो दो फोर्स तो कैंसिल हो गए कि कौन सी बची फिर जब नेट फोर्स लिखेंगे चलो लिखते हैं नेट फोर्स क्या लिखेंगे फॉर बॉडी बी नेट फोर्स क्या लिखेंगे जी क्या लिखूंगा नेट फोर्स किसके बराबर आएगी बताएं तीन फोर्सेस कौन कौन सी वजन रिएक्शन और क्या लिखूंगा वेट की जगह क्या आएगा एम टू जी टेंशन की जगह रिएक्शन की जगह आर और तीसरी फोर्स कौन सी है मुझे बताएं क्या ये दोनों फोर्सेस बराबर नहीं है और जब दो चीजें बराबर और मुखालिफ सिमत में हो एक दूसरे को क्या कर देती है इन दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया इन दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया कैंसिल तो पीछे क्या बचा फिर इसका मतलब नेट फोर्स किसके बराबर है अब बताएं नेट फोर्स क्या
न्यूटन ने? क्या बताई थी? एम ए। यहाँ क्या दर्ज करेंगे? क्या आएगा इस नेट फोर्स की, कौन रिप्लेस कर लेगा? एम ए। लेकिन कौन सा एम, कौन सा आएगा? किस जिसम के लिए कर रहे हैं? टू के लिए। ए। ये इक्वेशन नंबर क्या बन गई हमारे पास? ये फर्स्ट, ये सेकंड। कैलकुलेशन ऑलमोस्ट हो गई। क्या इक्वेशन वन और टू को क्या कर देंगे हम? ऐड कर देंगे। आंसर पहला काम क्या करें? इक्वेशन नंबर वन और टू को क्या करें अब हम? ऐड। हमारा कंसर्न क्या, हम क्या चाहते हैं, क्या मालूम करना? एक एक्सेलरेशन और दूसरा टेंशन। अभी देखिए जवाब आ जाते हैं। पहले मैं वन और टू लिखता हूँ। क्या थी वन? एम वन ए किसके बराबर आया था? एम वन जी माइनस टू, ये आई थी ना वन। और टू क्या आई है? एम टू ए किसके बराबर? टी थी। क्या करने जा रहे हैं हम? ऐड। वजह हम क्या चाहते हैं? एक्सेलरेशन। तो देखना ऐड करने से एक्सेलरेशन खुद आ जाएगा। क्या लिखूं? बाय एडिंग, बाय एडिंग इक्वेशन वन, इक्वेशन वन एंड टू, इक्वेशन वन एंड टू। तो बताएं लेफ्ट साइड में ऐड कर दो, राइट साइड, राइट साइड लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में ऐड होगी तो क्या बन जाएगा? एम वन ए प्लस एम टू ए। यहाँ क्या बनेगा लिख लो? एम वन जी माइनस टी, और ये क्या देगा? प्लस टी। कैंसिल हो गए। क्या बचा यहाँ? क्या इनमें क्या कॉमन है? ए। तो उत्तर क्या बनेगा? एम वन प्लस एम टू इंटू ए, और यहाँ क्या आएगा? एम वन जी। इसकी कीमत चाहिए ए की, ए यही रहेगा और ये सारा फैक्टर उधर जा क्या कर देगा? डिवाइड। तो क्या आंसर आएगा बताइए? ए किसके बराबर? एम वन ओवर एम वन प्लस एम टू, और साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? ये पहला आंसर। ये और चीज क्या निकालनी है? दूसरी चीज क्या निकालनी है? टेंशन। टेंशन निकालने के लिए वेरी सिंपल, क्या हमारे पास दूसरी इक्वेशन टेंशन का फार्मूला है कि नहीं है? मजीद कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ए का जवाब उठाओ, कहाँ जाके दर्ज कर दो? ए के इसमें। तो आंसर किसका आ जाएगा? टेंशन का जवाब आ ही जाएगा। क्या करते हैं हम? ये सारा आंसर क्या लिखूंगा? बाय बाय पुटिंग वैल्यूज, या यहाँ कर देते हैं तो सारा रेस कर देता हूँ। क्या करें बेटे? ये थ्री की वैल्यू उठा के कहाँ रख दे? फोर में, हाँ सॉरी टू में। क्या लिखेंगे? बाय पुटिंग वैल्यू वैल्यू ऑफ इक्वेशन थ्री इन इक्वेशन इक्वेशन टू। टू के अंदर हमें ए दिख रहा है और हमें टी भी दिख रहा है, तो टी के आंसर चाहिए। तो बताइए क्या आएगा जवाब? टी किसके बराबर आ जाएगा? एम टू ए, ए की जगह क्या दर्ज कर दो? ये सारा जवाब। तो क्या आएगा जवाब? एम ए। आंसर आ गया एम वन एम टू, नीचे एम वन प्लस एम टू, सबके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? ये हमारा रिजल्ट इक्वेशन। हमने बेटे एक ऐसी मोशन जिसमें दो बॉडीज किसके साथ अटैच है? एक स्ट्रिंग के साथ, रस्सी के साथ। रस्सी कैसी है? इनएक्सटेंसिबल। कैसे बांधा है? एक वर्टिकली लटकी हुई है बॉडी और एक हॉरिजेंटली है। एक की मोशन वर्टिकल है और दूसरे की हॉरिजेंटल है। उसके लिए हमने टेंशन और एक्सेलरेशन के रिजल्ट फाइंड कर। अब ये रिजल्ट हम न्यूमेरिकल्स में यूज करके मुस्लिम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते। सो इज देयर एनी क्वेश्चन बेटे? उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। आपको बहुत शुक्रिया। Thank you. Yes.